Hey everyone, this is Arvaz Khan and this video is really awesome. Yes guys, काफी ज़्यादा interesting ये update है. यानी कि Aquaman जो movie है, वो इंडिया में 22 तारीख को release होने जा रही है. Sorry guys, 22 तारीख नहीं, बल्कि 21 तारीख को ये movie इंडिया में release की जाएगी. जी हाँ guys, एक दिन पहले कह सकते हैं ये movie release की जाएगी इंडिया में. बट गाइज यहाँ पर बात निकल कर आती है कि क्या ये मूवी 3D में रिलीज की जाएगी या नहीं, या फिर 3D IMAX में ये रिलीज की जाएगी या नहीं, इस पर ही आगे मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ. सो गाइज जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोग फ्यूचर में मिस ना कर सके. सो गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो मैंने की है सब्सक्राइब करने की, वो आप लोगों ने आई होप कर ही दी होगी. तो यहाँ मैं जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फॉर्मेट जो है वो IMAX है इस मूवी का, यानी कि मूवी जो है वो IMAX की पूरी स्क्रीन पर चलने वाली है. तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है. अब बात होती है कि ये मूवी जो है 3D में आ रही है या नहीं. तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये मूवी 3D में रिलीज की जाएगी इंडिया में. जी हाँ गाइस, ये मूवी 3D में आ रही है इंडिया में भी. IMAX 3D में भी लगेगी और यहाँ 4DX में भी जो वेरिएंट होगा वो भी 3D ही होगा, क्योंकि 4DX में जो है वो 2D भी लगता है. बट यहाँ पर मैं आप लोगों को काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, दिमाग ज्यादा आप लोगों का खराब नहीं करना चाहता, सीधे बताता हूँ कि ये मूवी 3D है और 3D में लगने वाली है. तो यहाँ पर एक अपडेट ये मैंने आप लोगों को बता दी है. और इसके अलावा गाइज ये मूवी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. बट देखा जाएगा DC की जिस तरह से मूवी पिट रही है कि क्या ये मूवी एक अच्छी मूवी साबित होगी या नहीं. तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा हम सबके लिए. जी हाँ गाइज, तो यहाँ पर निकल कर आती है एक अपडेट, ये मूवी 3D में आ रही है और इसकी रिलीज डेट है 21 दिसंबर, जो कि डंकी के साथ रिलीज की जाएगी. और सलार भी इसी दिन रिलीज है, या फिर कह सकते हैं 22 दिसंबर को ही रिलीज है. बट एक तरह से ये क्लैश जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो ऐसे में गाइज कौन सी मूवी सर्वाइव करेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा. तो आप लोग ये भी कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को क्या लगता है, सलार ज्यादा चलेगी, डंकी ज्यादा चलेगी या एक्वामैन. सो इसी तरह की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.